आपके पास आएंगे। देखिए, चुनाव नतीजों पर सबकी नजर है और जो भी अब डिस्कशन होगा या फिर जो भी राय लिए जाएंगे वो चुनाव के नतीजों को ध्यान में रख के लिए जाएंगे। आप जरा एक बार ये बताइए कि इलेक्शन वाले डे, इलेक्शन रिजल्ट वाले डे हम ये मान के चल रहे हैं कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो जो निवेशक हैं जिनको थोड़ा दूर का सोचना है वो कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखें उस दिन? CLSA ने अपनी लिस्ट दी है, फिलिप कैपिटल ने भी अपनी लिस्ट दी है, कुछ कुछ जिनको मोदी स्टॉक्स का नाम दिया है, सरकारी शेयरों में, सरकारी बैंकों में, इंफ्रा में, कुछ आप शेयर बताएंगे जो आपको पसंद है, जहां पर आपका कन्विक्शन है और आपको लगता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट आपको उसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए? तो अभिषेक जी, आई थिंक वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी एंड दैट इज बीन रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट्स इवन नाउ। गोइंग फॉरवर्ड स्पेसिफिकली फ्रॉम अ पोजिशनिंग परस्पेक्टिव, क्योंकि एक बार इलेक्शन के नतीजे हो जाने के बाद एक 100 डे का एजेंडा आएगा और उसके बाद जुलाई में बजट सत्र आएगा। RBI का जो डिविडेंड पे आउट आया है, जो एक एक्सेस डिविडेंड पे आउट आया है 1,00,000 करोड़ का, जो मार्केट नहीं मान के चल रहा था, आई थिंक दैट कैन एक्ट एज अ ह्यूज बफर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा स्पेंडिंग। तो हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ये सरकार के जो रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं ये बरकरार रहेंगे। इसलिए आई थिंक जो डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स के सेक्टर्स हैं ये अभी भी लाइमलाइट में रहेंगे। दूसरा, आई थिंक फाइनेंशियल सिस्टम एज अ होल शुड ऑल्सो बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और जैसे रेट कट स्टार्ट होंगे US में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर, वो एक हो या दो हो, RBI विल ऑल्सो फॉलो सूट, और इसके वजह से आई थिंक जो एक बैलेंस शीट में कॉम्प्रेशन देखा गया था निम्स और स्प्रेड्स को लेके, वहाँ पे भी आई थिंक एक अच्छी खासी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी है, विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड मॉनसूनस दिस टाइम राउंड, आई थिंक एक अच्छी रिकवरी आ सकती है इन बोथ दीज सेगमेंट्स। एंड एज द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स और जैसे पर कैपिटा इनकम भारतवर्ष का बढ़ते जाएगा, मुझे लगता है ये सेगमेंट भी ध्यान में रखना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक देर आर वेरियस स्टॉक्स जो लीडरशिप पोजिशन में होते हैं, जहाँ PPS, RS रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो हम कैंसलिंग में देखते हैं, यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। जिंदल सौ एक उदाहरण हुआ विद इन द इंफ्रा स्पेस, यू गॉट वेल्सपन कॉप एज अ कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल एज वेल। बैंक्स में ऑब्वियसली आई थिंक स्टेट बैंक लार्ज नेम्स में आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। विद इन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस हमें अभी भी लगता है आई थिंक सिलेक्टिव कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स USR स्पेस में जो हो, फुटवेयर में जो हो, यहाँ पे आई थिंक जो एक स्पेंडिंग पैटर्न है that should show steady signs of improvement as well. और जो proxy play होती है इंफ्रा की, सीमेंट स्टॉक जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट एज एन एग्जाम्पल लीडरशिप स्टॉक है, JK सीमेंट, हाउसिंग को जो सपोर्ट करते हैं NBFCs, वहाँ पे अच्छा खासा जो रियल इस्टेट साइकिल है वहाँ बढ़ोतरी मिलेगी, और रियल इस्टेट एंसिलरीज, क्योंकि एक रियल इस्टेट साइकिल का जो एक पर्व है 3 वर्ष हो चुके हैं, आई थिंक एंसिलरी स्टॉक शुड नाउ स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिकली फोकस्ड सेक्टर्स एंड विदिन दिस अ फ्यू ऑफ दी सब सेक्टर्स शुड बी केप्ट ऑन योर।